पर ये वो दुनिया नहीं थी जो कि हम जानते थे, ये वो दुनिया थी जो कि हम लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। और अभी यहाँ पर हॉकाय किसी का पीछा कर रहा था, एक लड़की जो कि कहती है कि मुझे इनवाइट किया गया है। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं उस लड़की को लेने, तभी हॉकाय एक एरो शूट करता है और उसमें से एक एरो जाकर लगता है एक आदमी को और दूसरा दूसरे वाले को। और जैसे ही दोनों डाउन होते हैं उस लड़की को हटाकर हॉकाय अंदर घुस जाता है और अंदर कंट्रोल रूम में बैठे उन लोगों के पास जाता है जो कि एक लड़की को छेड़ रहे थे। और तभी वो कहता है कि लड़की से अपने हाथ दूर हटाओ और उस लड़की को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और एक एक करके हॉकाय के तीरों का शिकार बनते हैं। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है कि उन गोलियों की आवाजों से और हॉकाय के मारने की वजह से हैमरहेड के बाकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और यहाँ पर जिस लड़की को हॉकाय ने जाने के लिए कहा था वो उसी पर गन तार कर खड़ी थी। लेकिन हॉकाय बिना देखे उस पर तीर चलाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था अब जाओ यहाँ से। वो लड़की तो जैसे तैसे निकल जाती है और हॉकाय उस हॉस्टेज को ढूंढने लगता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। और वो देखता है बाहर लोगों को भागते हुए, जिसमें से एक कहता है, मैंने कहा था उनसे कि इसे यहाँ पर मत रखो, वो पागल मान ही नहीं रहे, मुझे पता है कि ये थॉर ही होगा और अगर ये थॉर है तो हमारे लिए बहुत बुरा है। यहाँ पर हैमरहेड और बाकी बच्चे लोग तैयार हो चुके थे अपने गन्स के साथ उसे मारने के लिए और यहाँ पर हॉकाय उनका स्टेयरकेस के नीचे इंतजार कर रहा था। हैमरहेड अपने पूरे लोगों के साथ और अपने पूरे एम्यूनिशन के साथ तैयार था, वो कह तो रहा था कि आज एवेंजर मारे जाएंगे, लेकिन उसके बात में कितनी सच्चाई थी ये उसे और उसके साथियों को भी नहीं पता। यहाँ पर हॉकाय नीचे खड़ा होने के बावजूद हैमरहेड अपने एक आदमी को आगे भेजता है और कहता है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसके बदले तुम ये करोगे। और जैसे वो आगे जाता है तभी एक तीर उसके गर्दन के आर पार हो जाता है और हॉकाय चिल्लाकर कहता है कि आगे कौन आने वाला है। और एक ग्रेनाइट वो फेंकता है जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन हैमरहेड के साथ कुछ लोग बच निकलते हैं। यहाँ पर हॉस्टेज के आसपास जो लोग थे वो ये धमाका सुन चुके थे और धमाके के साथ ही वो तीर भी देख चुके थे जो उनके सर के आर पार निकल चुका था। और तब हम देखते हैं कि वो हॉस्टेज स्पाइडरमैन था जिसे बचाने हॉकाय अपनी जान मुश्किल में डालकर यहाँ तक आया था। वो ड्रग्ड था, उसे ड्रग दिए गए थे जिस वजह से वो नशे में था और हॉकाय उसे एक टैबलेट देता है और उसे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर ही रहा था तभी उन दोनों पर अटैक हो जाता है। यहाँ उन लोगों के पास एम्यूनेशन की कमी नहीं थी लेकिन हॉकाय सिर्फ बो और एरो से लड़ रहा था, जिस पर बाहर का एक आदमी कहता है, तुम पागल हो, दुनिया तबाही की कगार पर है और अभी भी तुम बो और एरो से खेल रहे हो, इस वजह से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज उन सभी को डिस्टर्ब कर देती है। तभी हम देखते हैं वो जोरदार आवाज अल्ट्रॉन बॉट्स की थी जो कहते हैं, ऑल ह्यूमनाइट्स सारे बाहर आओ अपने प्रीमाइसेस में इमीडिएटली। और यहाँ पर हैमरहेड और उसके आदमी को लग रहा था कि उन्होंने पैसे नहीं दिए इस वजह से वो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हॉकाय अपने कुछ डेटोनेटर्स के साथ अपने तीरों को रेडी कर चुका था और वो स्पाइडी को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। और जैसे ही स्पाइडी बाहर जाता है वो देखता है कि अल्ट्रॉन बॉट्स उसी घर पर निशाना लगाए थे और उसके पीछे हॉकाय आकर वो तीर उन पर मारने लगता है। यहाँ पर वो बॉट्स एक मिनट के अंदर उस सब जगह को तबाह करने वाले थे और इससे पहले ही वो लोग वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी धमाका जोरदार होने की वजह से वो दोनों उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। और स्पाइडरमैन कहता है, मुझे रेस्क्यू करने के लिए शुक्रिया हॉकाय, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है देने के लिए। और वो पूछता है कि क्या बाकी लोग भी जिंदा है, तब हॉकाय कहता है हाँ लेकिन ज्यादा नहीं है, क्या तुम ठीक हो? तब स्पाइडरमैन कहता है, नहीं मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ। सेंट्रल पार्क, जहाँ पर तबाही बताने की जरूरत नहीं थी और यहाँ पर स्पाइडी सेंट्रल पार्क के कुछ पुराने दिन याद कर रहा था और हॉकाय उसे अपने सीक्रेट अड्डे पर ले जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लूक केज और शीहल उन दोनों को पकड़े हुए थे, जहाँ पर लूक केज कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था वार्टन कि तुम वापस नहीं आ सकते। तब क्लिंट कहता है, और मैंने भी कहा था कि मैं किसी को वापस नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे वापस ला कर रहूंगा, अब हटो मेरे ऊपर से केज। लेकिन तभी शीहल स्टार को बुलाती है अपने टेक के साथ और तब टोनी स्टार अपने एक नए सूट में वहां पर आता है और कहता है, मुझे अपने टेक ऐसे ओपन में दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। और वो अपने टेक के साथ पहले स्पाइडरमैन को चेक करता है और कहता है, ये क्लियर है। और क्लिंट की तरफ बढ़ते हुए वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। और जैसे ही क्लिंट अपना मुंह खोलता है वो उसी टेक के साथ उसे भी चेक करता है और वो आगे कहता है कि अल्ट्रॉन ने इन दोनों को इन्फेक्ट नहीं किया उस चीज से जो मुझे पता है। तब लूक कहता है, और तुम्हें क्या क्या पता है? तब टोनी कहता है, लूक मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी हॉकाय कहता है, क्या तुम वही हीरोज हो जो कभी मासूमों की मदद किया करते थे?
लेकिन तभी शिहल कहती है कि लेकिन हमें ये कैसे पता कि यहाँ पर उनको कोई फॉलो करते हुए नहीं आया। तभी एमा फ्रॉस्ट आगे आते हुए कहती है कि ये लोग क्लीन है, इन्हें अकेला छोड़ा गया है। यहाँ पर लुक फिर से कहता है कि हॉकाई तुम ऐसे एक्टिंग मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा था कि अगर तुम पीछे रह गए तो तुम पीछे ही रहोगे। तब वो कहता है और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में। तब लुक समझाता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें रूल्स मानने होंगे वरना हम मारे जाएंगे। तब हॉकाई कहता है तो मरना बेहतर होगा ऐसी जिंदगी से जहाँ पर हम किसी की परवाह ना कर सके। और वो अंदर घुसता है जहाँ पर बचे हुए सुपर हीरोज रेस्ट कर रहे थे और कहता है क्या तुम बिना वैल्यूज की इस लाइफ को लाइफ कहते हो? हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए, हम यहाँ पर गिव अप करके बैठ चुके हैं। तब शिहल कहती है हमने गिव अप नहीं किया है। तब हॉकाई कहता है अच्छा तो फिर तुम इस चीज को क्या कहोगे? तब टोनी स्टार कहता है कि हमारे पास प्लान नहीं था। और वो कहता है तो फिर ये गलती किसकी थी? तब टोनी स्टार बताता है कि हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं। और तभी हॉकाई एक तरफ देखते हुए कहता है और इस चीज को तुम क्या कहने वाले हो? और तभी हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को जो अपनी हिम्मत हार चुके थे और अपनी टूटी हुई शील्ड के साथ एक कोने में थे।